देंगे देता देता छप्पर फाड़ के। भाई वाकई भगवान का यहाँ पर जब सिक्का चमकता है, जब ऊपर वाला आपको देने के बारे में सोचता है तो ढेर सारी चीजें एक साथ दे देता है। जब आपके जिंदगी में खुशियां आती हैं तो 10 दरवाजे खोल कर आती हैं। फिलहाल ऐसी ही खुशियों का आगमन हुआ है बॉलीवुड के प्रतिष्ठित परिवार देओल परिवार में। चारों ओर चर्चा इस एक फैमिली की ही हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मेघा। और जब चारों ओर चर्चा हर कोई सिर्फ और सिर्फ देओल परिवार के बारे में कर रहा है तो हम भला कहीं और क्यों जाएंगे। In this special program, we will talk about the most reputed family of B-Town, the Deol family. Deol family को लेकर चर्चे हमेशा से होते आए हैं। इस family में रिश्तों की equation कैसी है? इस परिवार में रिश्ते कितने सुलझे हुए हैं? देओल परिवार के रिश्तों में प्यार है या सौतेलापन है? इस तरह के चर्चे हमेशा से होते रहे हैं, सालों से होते रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के चर्चों पर लग गया फुल स्टॉप जब सनी देओल ने फाइनली अपनी स्टेप मॉम हेमा मालिनी के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए, हेमा मालिनी के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे, सनी ने जब बीजेपी को ऑफिशियली ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक कितनी बार देओल फैमिली इमोशनल हुई है, कितनी बार देओल फैमिली एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज में घिरी, कितनी बार देओल फैमिली को लेकर पॉजिटिव खबरें आई। शुरुआत करेंगे सनी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेने के वक्त से। सनी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली ऑफिशियली तौर पर, उसकी अनाउंसमेंट की, उसके बाद ट्वीट आया पापा धर्मेंद्र का। पापा धर्मेंद्र काफी ज्यादा इमोशनल थे। पापा धर्मेंद्र ने इमोशनल होकर ट्वीट किया, भावुक हो गए थे धर्मेंद्र, इमोशनल हो गए थे, आंखें धर्मेंद्र की नम हो गई थी जब उन्होंने कहा कि मैंने भी सेवा की सांसद बनकर, अब तुम भी सेवा करो सांसद बनकर। हम पर कई लोग उंगलियां उठाएंगे लेकिन लोगों की उठाई गई उंगलियों से हमें हार नहीं माननी है, हमें चलते ही जाना है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है और लोगों की सेवा करती जानी है। हेमन धर्मेंद्र काफी ज्यादा इमोशनल हुए। ये था वो पड़ाव जब सनी ने बीजेपी को ज्वाइन किया। उसके बाद शुरू हो गए सनी गुरदासपुर से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद रैलियां करने, रोड शो करने, और यहीं से कंट्रोवर्सीज शुरू हुई। विवाद था क्या सनी का प्रचार करने हेमा आएंगी, क्या सौतेलेपन का रिश्ता भूलकर हेमा मालिनी सनी देओल के लिए कैंपेनिंग करेंगी, क्योंकि जब सनी ने बीजेपी की सदस्यता हासिल की तब हेमा के संसदीय क्षेत्र मथुरा में इलेक्शन हो चुके थे, लेकिन सनी जहां से मैदान जंग में उतरे थे यानी पंजाब के गुरदासपुर, वहां पर इलेक्शन होने बाकी थे। तो खबर आने लगी, विवाद ये जन्म ले गया कि क्या आपसी मतभेद और मनभेद बुलाकर हेमा जाएंगी सनी के प्रचार में। आखिरी दिन तक खबरें आती रही। 19 मई को गुरदासपुर में वोटिंग हुई है और 19 मई को गुरदासपुर में जब बैन लगता है, प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, यानी 24 घंटे पहले तक यही खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी कि क्या हेमा आएंगी सनी की कैंपेनिंग के लिए। हेमा नहीं आई। हेमा भले ही ना आई हो लेकिन जीतने वाले को कौन रोक सकता है। जब चुनावी नतीजे आए 23 मई को, सनी देओल भी गुरदासपुर से जीत गए और हेमा मालिनी भी मथुरा से अपनी जीत दर्ज करा बैठी। मथुरा की सांसद एक बार फिर से हेमा मालिनी को चुन लिया गया और यहाँ सनी देओल ने अपनी राजनीतिक पारी जब शुरू की थी गुरदासपुर से, वो जीत गए और देओल परिवार में छा गई खुशियां। सनी की जीत के बाद, हेमा की जीत के बाद इस फैमिली का एक अलग ही रूप नजर आया। पहले अपनी धर्मपत्नी हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने ट्वीट किया, फिर अपने बेटे सनी की जीत के लिए धर्मेंद्र ने ट्वीट किया। काफी ज्यादा इमोशनल धर्मेंद्र अपने ट्वीट में लगे। ऐसा लग रहा था कि अगर सामने होते तो यकीनन रो पड़ते। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पल की जब देओल परिवार को लेकर तमाम तरह के कयासों पर विराम लग गया, तहलका यहां मचा बी टाउन गलियारों में और साथ ही राजनीति के अखाड़े में, जब ईशा देओल ने सनी देओल को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। जी हाँ, जो रिश्तों की कड़वाहट थी, जो रिश्तों में दूरियां थी, उन सबको भूलकर हेमा मालिनी की बेटी जो सनी देओल की सौतेली बहन है वो करती हैं ट्वीट और अपने बड़े भैया सनी देओल को करती हैं कॉन्ग्रेचुलेट, कहती हैं वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। फाइनली जिस रिश्ते से अब तक सनी बॉबी भागती आए हैं, ईशा आहाना भागती आई हैं, उस रिश्ते को गुरदासपुर में जीत के बाद, मथुरा में जीत के बाद इन लोगों ने
एक्सेप्ट किया, उस रिश्ते को इन लोगों ने प्राउडली अपनाया। नतीजा ये निकला कि आज इस फैमिली को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी है जो चारों ओर हर कोई महसूस कर पा रहा है। इस फैमिली को लेकर एक पॉजिटिविटी चारों ओर हर कोई महसूस कर पा रहा है। सोचिए जरा कितना प्यारा मंजर है इस परिवार के लिए। पापा धर्मेंद्र इतने ज्यादा खुश हैं कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। ईशा देओल ने एक बार फिर से एक प्यार जताया है सनी को लेकर, एक प्यारा सा ट्वीट किया है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के संसद के सेंट्रल हॉल में जो मीटिंग हुई, इसमें सनी भी पहुंचे, हेमा भी पहुंची और काफी ज्यादा खुशनुमा माहौल वहां बना जब सनी और हेमा फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ देओल फैमिली एक साथ थे। तो फिलहाल राजनीति के अखाड़े ने देओल परिवार में कितना कुछ बदल कर रख दिया, ये हमने आपको इस खास प्रोग्राम में बताया। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टू नाइन न्यूज के साथ और रहिए अपडेटेड।